एक सुनने सुनाने वाली बात, अगर पसंद आए तो आशीर्वाद के तौर पे, जो सुनने वाले हैं इस क्षेत्र के अंदर, आइए ध्यान दीजिए। जो माँ जन्म देती है बच्चे उसके पैर छूते हैं, लेकिन एक बात अगर ऐसा ही उल्टा हो जाए कि बच्चों के पैर माँ छूने लगे, तो ये सही होगा या गलत होगा? जरा जोर से बोलो, सही होगा या गलत होगा? ना, क्या बात है। अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हमें पुण्य मिल गया, क्या मिल रहा है? और भगवान ने अगर हमारी सेवा करी तो हमें क्या मिलेगा? पाप। स्वर्ग में जगह थोड़ा मिलेगी, कहाँ मिलेगी? नरक में। बोलिए सच्चे दरबार की जय। भगवान श्री राम के मन में एक बात उठी कि हनुमान, तुमने 14 वर्ष तक मेरी सेवा की और मैं तुम्हारे लिए आज तक कुछ नहीं कर पाया। मेरे मन में एक इच्छा है, जो तुमने मेरी 14 वर्ष सेवा करी है, मैं एक बार तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं, तुम्हारे पांव दबाना। हनुमान जी ने सुना, बोले हनुमान अगर ये मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो 14 वर्ष जो तुमने सेवा करी है वो मेरी एक बार में पूरी हो जाएगी। हनुमान जी ने इतनी बात सुनी, बोले प्रभु अगर आप मेरी सेवा करोगे तो मैं नरक में जाऊंगा। और दूसरी बात, प्रभु दास सेवा करते हैं, प्रभु नहीं करते। बोलिए सच्चे दरबार की, मैं आपका दास हूं, मेरा हक है आपकी सेवा करने का, मेरा फर्ज है, लेकिन आप मेरी सेवा करोगे तो मैं पाप में जाऊंगा। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए, हनुमान जी से जिद पकड़ ली है भगवान श्री राम ने कि मैं तुम्हारे पांव दबाऊंगा। तो हनुमान जी किस तरीके से सेवा का मौका देंगे श्री राम को कि प्रभु इस जन्म में तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन आपको सेवा का मौका जरूर दूंगा। और वो सेवा कैसे दी, ये ग्रंथों से लिखी हुई बात एक भजन के माध्यम से आप लोगों को सुनाता हूं। एक बार हाथ उड़ा के बोलिए बालाजी महाराज की जय। आइए सुनिए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे। झूठ बोलिए सच्चे दरबार कि एक दिन बोले दशरथ नंदन। भगवान श्री राम दशरथ नंदन हनुमान जी से कह रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए भजन पे, अगर सुनेंगे तो समझ में आएगा और समझ में आएगा तो आनंद आएगा। बोलिए सच्चे दरबार की, जरा ध्यान से सुनिए उस भजन को कि एक दिन बोले दशरथ नंदन मैं मन की प्यास बुझाऊंगा। मेरे मन में एक प्यास है हनुमान कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। हनुमान जी किस तरीके से जवाब देंगे, जरा हाथ उठाओ एक बार हनुमान जी के लिए, क्योंकि सेवा का मौका सब देते हैं, ऐसी सेवा कोई नहीं दे पाएगा। जरा हाँ कमेटी वालों बिल्कुल सीधे हाथ ऐसे और मीठी मीठी ताली कि एक दिन बोले दशरथ नंदन, एक दिन बोले दशरथ नंदन मैं मन की प्यास बुझाऊंगा। एक दिन बोले दशरथ नंदन मैं मन की प्यास बुझाऊंगा। एक दिन बोले दशरथ नंदन, एक दिन बोले दशरथ नंदन मैं मन की प्यास बुझाऊंगा। हनुमान तुम लेते रहो चुपचाप यहाँ, तुम लेते रहो चुपचाप यहाँ, मैं तेरे चरण दबाऊंगा। तुम लेते रहो चुपचाप यहाँ, मैं तेरे चरण दबाऊंगा। एक दिन बोले दशरथ नंदन, हाथ उठा के डाल दियो 1 2 3।
इतनी बात जब हनुमान जी ने सुनी कि भगवान श्री राम उनके पांव छूने को कह रहे हैं, तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये आपकी इच्छा है या मेरी परीक्षा है? अगर आपकी इच्छा है तो ये मैं पूर्ण नहीं कर सकता, और ये परीक्षा है तो इसमें मैं पास नहीं होऊंगा, मैं अपने आप को वैसे ही फेल मानता हूं। क्यों? अगर मैंने आपके पैर छुए तो मुझे पुण्य मिलेगा, लेकिन आपने मुझे पैर छुपा दिया अगर तो आप मुझे घोर नरक में डाल दोगे। तो हनुमान जी कह रहे हैं, प्रभु सुनिए, ये इच्छा है या परीक्षा? ऐसा जो हुआ प्रभु जग ये हंसे, मैं जीते जी मर जाऊंगा, एक दिन बोले दशरथ नंदन, मैं मन की प्यास बुझाऊंगा। बोल बालाजी महाराज की जय हो। हाथों को खोल के राम राम करिए। भगवान श्री राम अपनी बात पे अड़े हुए हैं, लेकिन हनुमान जी ने भी कह दिया कि प्रभु सेवा का मौका ऐसे नहीं मिलेगा, इस जन्म में तो कतई नहीं। तो श्री राम ने कहा, अगर इस जन्म में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में कैसे दोगे? बोले, प्रभु सुनिए, अगले जन्म में सेवा कैसे दूंगा? मिट जाएगी सब इच्छा प्रभु जी, मिट जाएगी सब इच्छा प्रभु जी, जब द्वापर में तुम आओगे, जब द्वापर में तुम आओगे। मैं द्वापर में आऊंगा तो सेवा कैसे करूंगा? हनुमान बोले, सुनिए प्रभु, तुम कृष्ण बनोगे जब स्वामी, तुम कृष्ण बनोगे जब स्वामी, तब मैं मुरली बन जाऊंगा। तुम कृष्ण बनोगे जब स्वामी, तब मैं मुरली बन जाऊंगा। एक दिन बोले दशरथ नंदन, मैं मन की प्यास बुझाऊंगा। बोल बालाजी महाराज की। हाथ बोल के राम कह रहे हैं कि मैं कृष्ण बन जाऊंगा, द्वापर में तुम मुरली बनोगे, सेवा तो फिर भी नहीं हो पाई, सेवा कैसे करूंगा? हनुमान बोले, प्रभु सेवा का अवसर मिलने वाला है, और सेवा कैसे होगी सुनिए। सखियों संग राशि रचाना, तुम सखियों संग राशि रचाना, अधीरों पर मुझे सजा करके, अधीरों पर मुझे सजा करके। बोले, मैं मुरली जरूर बजाऊंगा तुम्हें, एक बात है, लेकिन सेवा का मौका कैसे? बोले, सेवा सेवा प्रभु सुनिए कैसे। सहलाना मेरे अंगों को, सहलाना मेरे अंगों को, मैं गीत प्रेम के गाऊंगा। सहलाना मेरे अंगों को, मैं गीत प्रेम के गाऊंगा। बोलिए बालाजी महाराज की जय।
भगवान श्री राम बोले अगर मैं बांसुरी पे हाथ फहराऊंगा ये कैसी सेवा हुई। बोले प्रभु एक बात ध्यान रखना, जब मैं मुरली बन के आऊंगा बांसुरी में स्वर तब तक नहीं निकलते जब तक उसकी उंगली छेदों पे चलाई ना जाए। जब तक बांसुरी पे उंगली नहीं चलाएंगे तब तक स्वर नहीं निकलेंगे, आवाज नहीं बनेगी। बोलिए सच्चे दरबार की। और जब मैं मुरली बन के आऊंगा, ये साधारण मुरली नहीं है जो आप सोचो, ये हनुमान है जो आपकी सेवा में लगा हुआ है कि सहलाना मेरे अंगों को, सहलाना मेरे अंगों को, मैं गीत प्रेम के गाऊंगा। एक दिन बोले दशरथ नंदन, मैं मन की प्यास बुझाऊंगा। तो कौन कौन ऐसी सेवा देगा, जरा हाथ उठा बिल्कुल सीधे और ताली से बोलेंगे। एक दिन बोले दशरथ नंदन, मैं मन की प्यास बुझाऊंगा।